यही हम तुम सबको बात बोलते हैं कि ज्ञान सुनते हो, अपने को तन और मन की माया से अलग करो। जब तक अपने को तन और मन की माया से अलग नहीं करोगे, ज्ञान सुन के भी अशांति बनी रहेगी। है सारे मन के ख्याल और कुछ भी नहीं है। चाहे कोई प्रपंच समझ में आए, चाहे मन में कोई कमज़ोरी आए, है तो सारी मन की बात ना। अब अगर मन को हम अपने से अलग करें तो हम इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। आज समझो आपके पास कोई सत्संग सुनने आता है। अब वो आके आपको अपने मन की बात करता है, तो क्योंकि वो उसका मन है तो आप कितना अच्छा जवाब दे देते हो, समझा देते हो, अगला सेटिस्फाई भी हो जाता है, खुश भी हो जाता है। पर जब कोई बात अपने साथ आती है उस समय हम क्यों उलझते हैं? क्योंकि मन को हम अलग करके नहीं देख पाते। अगर उस समय भी हम मन को अलग करके देखें तो फिर परेशानी ना हो ना। फिर जैसे सॉल्यूशन दूसरे को देते हैं, सेम सॉल्यूशन हम अपने लिए भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम खुद मन से मिक्स हो जाते हैं, मन का रूप हो जाते हैं, फिर ऐसे लगता है जैसे सामने तो सब गलत है, मैं सही हूँ। अब ये मैं कहाँ से आई? विचार करो, फिर कुछ बन गए ना, फिर अंदर कोई ना कोई ओहदा बना लिया ना, फिर हस्ती बना ली ना। अगर कोई आपको बोले आके कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, तो आप ये बोलोगे तुम प्यार करो जाके। लेकिन कहीं ये महसूस खुद को हो जाए कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, फिर हम प्यार नहीं करना चाहते। फिर हम बोलते ठीक है, तू अपने घर राज़ी, मैं अपने घर राज़ी। गलत हो गई बात। क्यों हो गई? क्योंकि अब मैंने मन को अलग करके नहीं देखा। यही मन की माया, जब तक हम अलग नहीं करेंगे तब तक हम परेशान होते रहेंगे। अलग करके देखना आ जाए। रोज़ गुरु साक्षी स्वरूप की बात बता रहा है, रोज़ कह रहा है ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा ख़त्म हो गया। पर हमारे मन के झगड़े ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? हमारे मन का शोर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? हमारे अंदर की आवाज़ें बंद क्यों नहीं हो रही? हम ज़रा ये भी विचार करके देखें ना, हमारे भी तो मन की ये सब आवाज़ें, मन का सारा शोर, ये बंद हो जाना चाहिए। हम क्यों हलचल में पड़े हैं? हम क्यों शोर में पड़े हैं? क्योंकि हमारा अहम जीवित है, हमारा मन जीवित है। हमने दिया नहीं है मन गुरु को, तभी तो शोर है मन में। वरना शोर जैसी तो कोई बात ही नहीं है। एक्सेप्टेंस आ जाए, हर चीज़ में एडजस्ट होना आ जाए, बढ़ के प्यार करना आ जाए, तो काम मुश्किल होएगी। लेकिन बढ़ के प्यार नहीं करने आता है। अब समझो आज आपकी बर्थडे है, अच्छा किसी ने विश नहीं किया आपको। अब अंदर अंदर मन चलाते जाओगे, विश नहीं किया, ऐसे लोग हैं, बड़ा कुछ आएगा। पर अगर एक शब्द आगे बढ़ के बोल दो, अरे तुमने आज मुझे विश ही नहीं किया, मेरा बर्थडे है, मन का शोर बंद हो सकता है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ बढ़ के इनिशिएटिव ले लो अगर, तो अपना मन शांत किया जा सकता है। नहीं, जितनी देर अगले का चिंतन करते रहोगे मन चलता रहेगा, मन में शोर होता रहेगा। और मन का शोर खाली शोर नहीं होता, इससे फिर द्वेष रूप लेता है, इससे झगड़े होते हैं, इससे वाणी में कड़वाहट आती है। इसके इम्पैक्ट्स तो गलत हैं ना। जिस भी व्यक्ति के मन में शोर होता है, आप देखो उसके आचरण में उसके इफ़ेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। जैसे आप एंटीबायोटिक टैबलेट्स खाते हो, डॉक्टर कहता है इनके साइड इफ़ेक्ट हैं। कोई भी दवा खाओ फिर उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। कभी कभी डॉक्टर साइड इफ़ेक्ट की दवाई साथ में देता है, कोई गोली देता है कहता है इससे ना आपका बीपी बढ़ेगा, ये दूसरी गोली आपको खानी पड़ेगी।
अरे भाई हमारा तो बीपी नॉर्मल है। कहते हैं नहीं नहीं इस टैबलेट से बढ़ेगा, तो आप ये खाओ साथ में प्रिकॉशनरी, ऐसा ना हो बीपी ज़्यादा हाई हो जाए आपको पता ना चले, तो आप इसको खाओ। खानी पड़ती है। जिन लोगों की बाईपास सर्जरी होती है उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, वहाँ पे कभी कभी इंसुलिन भी देने पड़ते हैं। अरे भाई हमारे व्यक्ति को तो शुगर थी नहीं, बोला अभी भी नहीं, अभी ये दवाइयों से हो गया है, फिर ठीक हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, पर अभी तो हमको इतनी है कि इंसुलिन भी देना पड़ रहा है, साइड इफ़ेक्ट है ना। ऐसे मन का जो शोर है इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर हमको अपने मन का शोर कंट्रोल करना आ जाए तो हम इन साइड इफ़ेक्ट से बच जाते हैं, पर अगर हमको मन का शोर कंट्रोल करना नहीं आता तो ये साइड इफ़ेक्ट हमारे प्रकट होते हैं। कभी हमारी वाणी में रोष आता है, कभी हमारे अंदर द्वेष आ जाता है, कभी हमारे एक्शन गलत होने लगते हैं। उससे पता चलता है हमारे मन में शोर है, और ये शोर के असर हैं सारे के सारे। जिसका मन शांत है, समाधिस्थ है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं कि उसके सामने विपरीत से विपरीत हालत आ जाए, वो तो भी रिलैक्स रहता है, तो भी शांत रहता है। पहले से ही कोई दवा चल रही हो ना, समझो पेट की दवाई खा रहे हो, डाइजेशन की दवाई खा रहे हो, कुछ उल्टा पुल्टा खा लो, सारे लोग कहते हैं हमें थोड़ा भारी लग रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है, अगला कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, कहते हैं तू पहले ही दवाई खा रहा है ना पेट की, तो तेरे को इसलिए असर नहीं हुआ। ज्ञानी पास के पास ये साइड इफ़ेक्ट है, हालत आती है लेकिन वो बेअसर है, परिस्थिति आती है लेकिन उसके अंतर एक ना दो, वो शांत है, वो शीतल है, वो फिर प्रेम कर सकता है, फिर नम्रता कर सकता है। अब आप देखते हो शिशुपाल को कृष्ण जी 100 गलती तक माफ़ी दे सकते हैं, राम जी रावण के पास संधि प्रस्ताव भेज सकते हैं, कूल है ना। ऐसा रिएक्शन नहीं है कि अभी किसी ने कुछ गलत किया तो पलट के हम भी गलत करें उसके साथ, कूल माइंड रह सके, शांत रह सके। ये ज्ञान का इफ़ेक्ट होता है कि किसी भी बात को हम बड़ी शांति से टैकल कर पाते हैं। जब हमारे मन का शोर होता है तो डिसीजन तो राइट होता नहीं, हमारे से उद्विग्न भाषा निकलेगी, उद्वेग में ही हमसे कर्म होंगे और अपने अंदर तो हमेशा ही अशांति फील होगी। कभी फिर आप दोष ये देते हो शायद सामने वाला व्यक्ति मेरी अशांति के लिए ज़िम्मेदार है। कई बार आप अपने को देखना, आपका मन अंदर अंदर कहेगा दूसरे लोग मेरी अशांति के लिए ज़िम्मेदार हैं, पर ये सच्चाई नहीं। अगर मेरी अपनी शांति स्थिर होती तो दूसरा व्यक्ति मुझे अशांति नहीं दे सकता था। असल प्रॉब्लम तो मेरे अंदर है, मेरे अपने ही मन में शोर है, मेरी शांति स्थिर नहीं है, मैं अंदर से रिलैक्स नहीं हूँ। तो फिर जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ मैं बैठता हूँ, मैं अपने आप को अपने ख्यालों से ही अशांत कर लेता हूँ। बात तो ये है। अब हो सकता है आप जिस चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हो मे बी सामने वाले का इंटेंशन वैसा ना हो, ये भी तो हो सकता है ना, हमारा अनुमान ही तो है। कई बार होता है, घर में ही आपके होता होगा, कभी बच्चे, कभी हस्बैंड, कभी कोई व्यक्ति अचानक से किसी बात को लेके कह देता है कुछ, आप कहते हो नहीं मेरे से कसम उठवा लो मेरा इंटेंशन नहीं था, पता नहीं क्यों आपको लग गया, क्यों आपने गलत समझ लिया, होता है ना। अब कई कर्म अननोइंगली भी तो हैं। अब अगर मेरे से हैं, मे बी सामने वाला भी इनोसेंट हो, मैं सोच रहा हूँ वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, हो सकता है वो जानबूझ के ना भी कर रहा हो सकता है उसका कर्म राइट हो, मुझे बुरा लगे जा रहा है,
ये भी पॉसिबल है कि मेरे एक बार बता देने पर मैं भी अगला ध्यान रख के भी चल ले, ये भी तो बात है ना। देखो एक बात समझ के चलना कि जिसकी बात है अगर उससे करोगे तो हल निकलेगा, चार जगह और करोगे कभी हल नहीं निकलेगा। जिसकी बात है उससे करो। आज आप लोग सत्संग में आते हो तो कहते हो जो गीता आपने समझाई ना, अब गुरु खुद कृष्ण रूप है, अब गीता उसने कहाँ से बोली क्या बोली वो सही अर्थ बता सकता है ना। ऐसे संसार में भी लोग हैं, अब अपने कर्म का अपने शब्द का हर कोई राइट एटीट्यूड खुद बता सकता है ना। आप मेरे से दूसरे के कर्म की बात करो, मैं कैसे बताऊं कि उसने क्या सोचा होगा, उसका क्या इंटेंशन होगा। कभी कभी उसी व्यक्ति से बात करने से सॉल्यूशन निकलते हैं, हम क्या करते हैं उस व्यक्ति से तो हम द्वेषवश बात नहीं करना चाहते, हम फिर इधर उधर बात करने की कोशिश करते हैं, उससे हल तो निकलते नहीं, बात बिगड़ती ज़रूर है। क्योंकि हर कोई अपना अनुमान लगाएगा, कोई आपके फेवर में बोलेगा, कोई हो सकता है आपको समझाएगा, समझाने वाले से आप चिढ़ जाओगे, फेवर वाला आपको ठीक लगेगा। अब अगला तो रह गया वहीं, आपने एक नई राग द्वेष की दुनिया खड़ी कर ली, आपको क्या बेनिफिट हुआ। बेटर है जिसकी बात है उससे करो। आज मेरी बात है, हम कभी कभी सत्संग में कोई बात बोलते हैं, अच्छा कोई उठा लेता है अपने हिसाब से, फिर वो ना कोई किसी से बात करेगा किसी से, हम बोलते हैं मेरे से आके बात करें ना, तुम लोग क्या समझाओगे। अब आगे वाले समझाएंगे तो कहेंगे हाँ ये लोग तो उनकी चमचागिरी करते हैं, अच्छा वो हाँ में हाँ भर देंगे तो कहेंगे देखो मन में तो इनके भी पढ़ाई है ना सारा कुछ, तुम्हारा मन ना इधर से बख्शेगा ना इधर से बख्शेगा किसी को। बेहतर है मेरी बात है तो मेरे से आके करो ना, हम बताएंगे तुम्हें हमने क्या बात तुम्हें किस इंटेंशन से कही और हम तुम्हें क्या समझाना चाहते हैं, बेटर होता है ना। दुनिया में भी किसी की बात है बड़े प्यार से अगले से बात कहो ना अपनी, कि ये वाली बात आपकी ऐसे है, मे बी आपका इंटेंशन गलत ना हो, मुझे लग रहा है ऐसा, आप मुझे क्लियर करो थोड़ा सा। अब अगले का इंटेंशन गलत होगा तो वो आगे से ध्यान रखेगा, नहीं होगा तो आपका मन क्लियर हो जाएगा, वो एक बेटरमेंट होगी ना। बजाय मन में पालो चीज़ें, उससे तो द्वेषी बढ़ेगा। देखो ख्याल के ऊपर ख्याल आता जाए, जैसे दीवार कैसे बनी, ईंट पे ईंट रखी दीवार बन गई, ख्याल पे ख्याल ये द्वेष बढ़ाता है। आज पहले ही मन में किसी के लिए कुछ है और उसके कर्म देखो और उसके स्वभाव देखो, बार बार उसकी बात का विचार करो तो धीरे धीरे क्या होगा, मन में एक इमेज बन जाएगी और द्वेष आएगा, बुरा लगेगा, चिड़चिड़ करेगा मन तुम्हारा। तो बेटर है छोटी सी बात कोई क्लियर करके और अपना रिलैक्स हो जाओ, खुश हो जाओ, ताकि अपने अंदर किसी तरह की गंदगी ना आने पाए। मन में गंदगी आ जाती है क्योंकि कई बार तो अपना स्वभाव ही समझ में नहीं आता। अब मान लो आप बात करोगे तो अगला व्यक्ति जब बात स्पष्ट करेगा तो आपको अपना स्वभाव भी तो समझ आएगा। बहुत बार ऐसा होता है हम अपने स्वभाव से ही अछूते होते हैं, एक धारणा होती है ना अपने प्रति, आई एम राइट, मैं ठीक हूँ। ज्ञान के बाद भी कई बार विचारना नहीं चाहते, सिर्फ एक बात सोच लेते हैं हम ठीक हैं। थोड़ा विचार करो, मे बी तुम भी गलत हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चार लोग मेरे को गलत दिख रहे हैं
ये भी तो हो सकता है मैं एक गलत हूँ जो चार में गलतियाँ देख रहा हूँ, लेकिन हम उस समय अपने को तो मानते हैं ज्ञानी, मैं तो ज्ञानी, मैं तो सही, ये चार लोग गलत हैं। ऐसा भी तो हो सकता है मेरा अनुमान हो चार के प्रति, ज़रूरी नहीं वो गलत हो, ज़रूरी नहीं किसी की भावना गलत हो। अब देखो कोई तुम्हारे पास आता है, मिलता है, अब ये भी तो है ना, सब तुम्हारी हेल्प करते हैं। आज तुम लोग कहीं बैठते हो, सत्संग करते हो, मान लो गुरु ही किसी को भेजता है तो तुम्हारी हेल्प ही तो करता है कि तुम्हारे पास सत्संग अच्छा बन जाए, तुम्हारे वहाँ के प्रेमी गुरु से जुड़ जाएं, तुम्हारी मेहनत सफल हो जाए। अगला तो तुम्हारा हेल्पिंग एंड ही है, पर कहीं कहीं हम देखते हैं कि अगलों के लिए ही गलत सोचा जाता है, नहीं नहीं ये लोग ना आए, नहीं नहीं ये लोग ऐसे ना हो, फिर ये तो गुरु की बात करेंगे, फिर ये डिस्टर्ब कर देंगे। तो गुरु की बात वैसे किसकी करनी है, तुम्हारी बात करनी है, बात तो सबको गुरु की करनी है। तुम भी गुरु से जोड़ रहे हो, अगले भी गुरु से जोड़ रहे हैं, बीच में बनना बनाना तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये क्यों आ जाता है, क्योंकि अहम जीवित है, अहंकार किसी को बर्दाश्त नहीं करता, अहंकार किसी की प्रशंसा नहीं बर्दाश्त करता, अहंकार ये सोचता है मेरी वैल्यू ना घट जाए, ये सब अहंकार के स्वरूप ही तो हैं। अब हम ज्ञान के बाद अगर विचार करें तो हमें पता चलेगा अहंकार के कितने सारे रूप हैं, और हम कहीं ना कहीं अहंकार के अधीन हैं, इसीलिए हमसे भूलें होती चली जा रही हैं। अगर अहंकार की अधीनता ना स्वीकारो फिर तो झगड़ा कोई है ही नहीं, किसी तरह का शोर नहीं, सारी बात कहाँ से खड़ी होती है, अहंकार से। हम रोज़ बताते हैं, भगवान बोलते थे मेरे से प्रश्न करने से पहले एक बार आत्मा में खड़े होके बात करो। अब आत्मा में खड़े होके बात करो तो फिर कुछ है ही नहीं, आत्मा में कौन सी बात है। इसका मतलब ये सारा देह अध्यास है, मन है, अहंकार है, ये सारी बातें मेरे अहंकार की हैं ना, वरना मैं खुश रह सकता हूँ, वरना मैं आनंद में रह सकता हूँ, वरना मुझे कोई शोर है ही नहीं जीवन में, काय का शोर है। सारा शोर इस अहंकार की वजह से है, मैं कुछ बन बैठा, फिर मैं अपने में कुछ मानने लगा। अब गीता कहती है श्रेष्ठता के अभिमान के भी त्यागी हो जाओ, बनो भी नहीं कुछ, कह रही है गीता सारा कुछ, फिर हम गीता का वचन क्यों नहीं मान रहे हैं कि मेरे अंदर श्रेष्ठता का कोई अभिमान होना ही नहीं चाहिए, मैं क्यों कुछ मानता हूँ अपने को, आई एम नथिंग। हम गवाने आए अपने को, बनाने थोड़ी आए, बनने बनाने में पड़ गए और गवाना गए भूल, बल्कि अच्छा ही है। चार की प्रशंसा हो, मेरा नाम ना जाने कोई। अब गाना गाना बड़ा आसान है, अभी वो अरदास गाए ना, मेरा नाम ना जाने कोई, ओए होया के मैं, मेरा नाम ना जाने कोई मैं, और चाहिए अंदर नाम सबको, अपना नाम गुम करने को तैयार हो। आज दूसरे से आता है, एक दिन गुरु से भी रीस आ जाएगी कि उनका भी नाम ना हो, मेरा ही हो, मेरा नाम हो वे खाली, बाकियों को बोलोगे तुम्हारा नाम नहीं होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। फिर एक दिन ये भी स्थिति आ जाएगी, पर क्या अंदर से ही लगता है मेरा नाम ना जाने कोई, और लगेगा जब मेरा नाम ना जाने कोई तो तुम्हारा कर्म क्या होगा, तुम सबको गुरु की महिमा सुना के गुरु से जोड़ोगे और कोई काम ही नहीं। भाई हम सब भगवान के ही तो भगत हैं, हम सब उनके ही तो प्रेमी हैं। अब चाहे राधा को महानता दी गई, पर राधा अपने आप में सब सखियों के साथ मिल के रही, कहीं उसने अहंकार दिखाया, मैं श्रेष्ठ, मैं बड़ी, मैं कृष्ण को ज़्यादा प्यारी, नहीं, वो सखियों के साथ मिलजुल के रहती है। श्रेष्ठता का अभिमान नहीं आया, इसीलिए तो कृष्ण उसको प्यार करते हैं। अगर वो अपने को श्रेष्ठ जानती, और जब जाना उसने
जब भगवान रास से अंतर ध्यान हुए, राधा को ले गए कंधों पे बिठा के, रास्ते में उसके मन में भी अभिमान आने लगा, सोचने लगी मेरे को ही भगवान लेके आए, सबको छोड़ाए। थोड़ी देर बाद गोपियों ने आके उसको जगाया, मूर्छित पड़ी थी, अरे मैं यहाँ कैसे। फिर याद किया कि मेरे अंदर जब अभिमान आया था उसके बाद नहीं पता मुझे हुआ क्या, ज्यों अभिमान आया भगवान उसको पेड़ की डाल पे लटका के चले गए। नीचे गिरी, मूर्छित हो गई, जरा सा ही अभिमान आया भगवान ने उसका त्याग कर दिया, छोड़ के चले गए उसको। जहाँ अभिमान जागेगा ईश्वर से दूरी हो जाएगी, गुरु से दूरी हो जाएगी। गुरु से नज़दीकी किसकी रहती है, गुरु किससे मिलके प्रसन्न होता है, अमानी भक्त से। जो अपना मान घटा देता है भगवान का मान ही आगे रखता है, और जो अपना मान आगे रखता है उसके दिल से भगवान विदा हो जाते हैं, उसके जीवन से भगवान विदा हो जाते हैं। बोलते हैं अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं, यहाँ तो अहंकार का वास है, मेरे बैठने की जगह ही नहीं है इसके हृदय में, मैं कहाँ बैठूँ, मैं कैसे प्यार करूँ, इसके पास तो अपनी मैं, इसके पास तो अपना अहंकार। तो तुम देखोगे अहंकार तुम्हें धीरे धीरे भगवान से दूर कर देगा, गलत हो जाएगा, उनकी नज़दीकी नहीं रहेगी और माया नज़दीक हो जाएगी, सत्संगी नज़दीक हो जाएंगे और बातें नज़दीक हो जाएंगी, पर तेरा जो इष्ट है वो तो तेरे से दूर हो गया, वो तो तेरे को अपने दिल में रख के नहीं बैठा, चाहे तू बोल मेरे दिल में आ परदम, पर उनके दिल में तेरा क्या स्थान है, ढूंढना तो ये, वो तुझे कितना प्यार करते हैं, वो तुझे कितना पसंद करते हैं, वो तुझे कितना साथ बिठाना चाहते हैं, साथ रखना चाहते हैं, वो कितना चीज़ तो वो है ना। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या, हम आए अपनी भक्ति करने और हम लोगों को भगत बनाने में जुट गए, उल्टी कहानी हो गई। आए तो हम खुद भक्ति करने हैं ना, आए तो हम खुद आपा गवाने, आए तो हम खुद नम्रता करने, लेकिन अपना ही एम भूल गया और हम किसी और माया के चक्कर में पड़ गए। तो ये अहंकार हमेशा भगवान और भक्त के बीच दूरी खड़ी करता है, इसीलिए हमको बनना नहीं, हमको तो आनंद लेना है सबके साथ, मज़ा लेना है सबके साथ, सीखने की भावना रखनी है सबसे। क्योंकि ज़रूरी बात है कि हर एक के अपने अपने गुण हैं, और जब हम सीखने का भाव रखते हैं हमको हर एक से ही सीखने को मिलता है, खाली गुरु से नहीं, हमारे गुरु भाई भी बहुत कुछ सिखाते हैं। उस दिन हम थे नहीं तो किसी ने सत्संग किया, तो अगले दिन एक ने बात की मेरे से, बोला कल इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई गोपी अपने दिल का हाल अहवाल देती जा रही हो, बोला मेरा ही हृदय पिघलता जा रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। बोला एक बार तो लगा आज, अरे आज आप हैं नहीं, बोला पर जब सत्संग सुना तो महसूस हुआ कि आप ही प्रेजेंट हो, अगले व्यक्ति के अंदर भी आप प्रेजेंट हो, वो आपको ही तो फील करके इतना अच्छा बोल पा रहा है। तो खाली गुरु से तो नहीं सीखते, अपने गुरु भाइयों से भी सीखते हैं, सबसे भी समझ आता है। उसने बोला हमको भक्ति का एक ट्रैक समझ में आया, हमको फील हुआ कि हाँ हमें कैसे गुरु को पढ़ना है, समझना है, गुरु से प्रेम कैसा होता है, बहुत कुछ मिलता है ना। आज आप किसी के साथ भी बैठो, हर एक के पास अपना अनुभव तो है, देखो आपके पास अपना अनुभव है, दूसरे के पास अपना अनुभव है, अगर आप कैच करोगे उसका अनुभव आपका भी बन जाएगा, वरना तो खाली सीमित हो गई ना नॉलेज हमारी। अगर हम खाली अपनी नॉलेज में खुश हैं, अगर हम खाली ये सोचते हैं मुझे तो आता है, तो हमारी विद्या सीमित हो गई, हमारा ज्ञान सीमित हो गया, हमारी सोच सीमित हो गई, हमारे विचार सीमित हो गए, हम खुद ही सीमित हो गए फिर। लेकिन जब हम
सबकी रिस्पेक्ट करते चलते हैं तो हम खुद असीमित हो जाते हैं। हर एक के पास अपना गुण तो है ही, अपनी क्वालिटी तो है ही, और सीखना शुरू करो बहुत कुछ आ जाएगा समझ में। किसी के पास देखो टैकल करने, प्रॉब्लम्स टैकल करने की बड़ी अच्छी आर्ट होती है, किसी को प्यार करना बहुत अच्छा आता है, किसी को मैनेज करना बहुत अच्छा आता है, बहुत क्वालिटीज़ हैं सबके पास। जब हम सीखना शुरू करते हैं हमारा जीवन गुणों का गुलदस्ता बन जाता है, और हम सीखने की कोशिश ही ना करें तो हम खुद ही सीमित रह जाते हैं। अब जो आता है वो तो आता ही है, उसका क्या करोगे। होता है ना कई बार कोई चीज़ आप भी घर में बनाते हो पर किसी से खाते हो तो लगता है कि तुमने ये कैसे बनाई, बड़ी अच्छी बनी, क्या डाला है इसमें। अगला बताता है मैंने ये चीज़ डाली। अब आपका मन करता है वैसी ट्राई करूं। अब क्या हुआ, अपने तरीके से आती थी उसके तरीके से भी बनानी आ गई, आपका क्वालिटी बढ़ गई, वरना एक ही क्वालिटी रहती ना। ऐसे जीवन में भी जिसको सबसे सीखने की भावना रहती है उसके अंदर निरंतर गुणों का विकास होता रहता है, और अगर किसी के अंदर सीखने की भावना ना हो, अब पहले तो तुम्हें अहंकार कहेगा ले ये कौन मुझे सिखाने वाला, ये तो कल का आया है, मैं तो बड़ा ज्ञानी, मेरे को तो बहुत आता है, पहले तो इन सब से आएगा। एक समय इतनी बुद्धि जड़ हो जाएगी गुरु को भी कैच नहीं कर पाओगे, गुरु से भी नहीं सीख पाओगे। हाँ हाँ कर जाओगे, परिवर्तन कोई नहीं आएगा, क्योंकि अंदर अहंकार मानने ही नहीं देगा कि मैं गलत हूँ। एक ही स्टेज भी आ जाएगी जहाँ तुम्हारे लिए बोलता हुआ चेतन गुरु भी जड़ महसूस होगा तुम्हें, कि हम तो खाली एक नाम के लिए चले जाते हैं, हाँ हाँ भाई ठीक है और कुछ नहीं। एक समय ऐसा आ जाएगा जहाँ पर आपके अंदर इतनी जड़ता आएगी कि आप गुरु से भी नहीं सीख पाओगे। इसीलिए सीखने की खिड़की हमेशा खुली रहनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं हो कि मैं सोचूं मुझे आ गया, कभी ऐसा नहीं हो मैं सोचूं बस मुझे तो आता है, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। हमेशा सबके आगे निमाणे हो जाओ, बालकवत हो जाओ। बॉम्बे से माता भगवान आए एक बार, तो अक्सर भगवान बुलवा लेते थे जब वो लोग आते थे कि तुम आओ भजन भी सुनाना और बैठना उन लोगों के साथ, बुलवा लेते थे। अब होता क्या था, वो लोग इधर उधर जाएं तो वहीं सत्संग और भी थे गुरुजी के साथ के कई लोग थे, अब आना जाना होता था गुरुजी के साथ। अब कहीं तो जगह मिले ठीक, कहीं ना मिले, कभी बात होए कभी ना होए, तो हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते थे कि भाई इतना धक्का खाएं, दौड़ें, दूरियां भी थीं, दो दो तीन तीन वो टेम्पो बदल के जाना। तो भगवान एक बात बताते थे हमेशा, संतों के पीछे जाओगे कभी धक्का कभी प्रसाद, मिलेगा ज़रूर कुछ ना कुछ, वो धक्का भी प्रसाद है अपने आप में। क्योंकि अगर गुरु के पीछे धक्के नहीं खाए ना किसी ने, वो भी नहीं घड़ा जाता, वो धक्का भी प्रसाद है। तो कभी धक्का कभी प्रसाद, तो क्या होता है उसमें। अब धक्का मारना कोई ये नहीं कोई धक्का मारता है हमको, कभी हमें इग्नोरेंस फील होती है, कभी हमें ऐसे लगता है कि हम तो चुप चुप बैठे हैं, हमें कोई इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा, हमें कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें धक्का लगती हैं ना। लेकिन बच्चा बन के अपने को इन्वॉल्व करो, बच्चा बन के अपने आप को खुद इन्वॉल्व करो ना। हमको एक बार किसी काम से पुणे जाना पड़ा, गुरुजी से बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे हमको मजबूरी है जाना पड़ेगा, कैसे करना है। बोले कोई बात नहीं चले जाओ, पर तुम फ़ोन होल्ड रखो, हम तुम्हें फ़ोन नंबर एड्रेस दे रहे हैं, होके आना, और गीता भगवान का घर तो ज़रूर देख के आना, वहाँ होके आओ, जा ही रहे हो तो।
लेकिन एक बात और बोल दी साथ, बोला तुम्हें कोई कहेगा नहीं वहाँ भजन सुनाओ, ये करो, मिलने आओ, अपने आप बात करना, फ़ोन करके बोलना हम आना चाहते हैं, हम मिलने आना चाहते हैं, सत्संग जाओ तो अपने आप बोलना हम भजन गाना चाहते हैं। वो अलग बात हो गई कि सब जानते ही थे, तो उन लोगों ने खुद ही बोला अरे तुम कहाँ से आ गए, कैसे आना हुआ, फिर हाल चाल लिया सब, फिर सत्संग हुआ तो फिर बोला भजन भी बताओ, पूछा भी अरे कुछ बताओ तुम भी तो सत्संग करते हो, ऐसे करके भी बात की, भजन उन्होंने अपने आप ही ऑफर किया। लेकिन भगवान ने कह के भेजा, बोला कोई तुम्हें कहेगा नहीं, कहीं तुम सोचो कि इन लोगों ने कहेंगे हमें तो भजन गा दें, अपने आप बोलना मेरा भजन गाने का मन है, हम भजन सुनाएं आपको, अपने आप बोलना, फ़ोन करना तो उनको अपने आप बोलना कि हम आए हैं, अभी सत्संग तो आपका हो चुका सुबह, हम मिलने आ जाएं थोड़ी देर आपके पास, हम बैठना चाहते हैं आपके पास, ऐसे करके समझा के भेजा। तो सेल्फ पार्टिसिपेशन भी तो होना चाहिए ना। अब हम क्या करते हैं, जहाँ हमें थोड़ा सा ही मिलता है ऐसे, फिर हम बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं करते, हम अपने को बिल्कुल सीमित कर लेते हैं, लो हम बात ही नहीं कर रहे, हम सुन ही नहीं रहे, जो कर रहा है करे, गलत हो गया ना। सेल्फ पार्टिसिपेशन प्यार बनाना है ना, पार्टिसिपेट करो, तुम बच्चे हो ना, क्यों मान रख रहे हो, क्यों बड़प्पन चाहते हो, क्यों वाहवाही चाहते हो, क्यों होशियारी चाहते हो, छोड़ दो ना, बोलो मैं बढ़ के बात करता हूँ, और इसने बात नहीं की मैं बढ़ के करता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई किसी को प्यार कर रहा है, पूछ रहा है, और प्यार करो उसको, बोलो हाँ ये तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, हम तो खुद इनसे बहुत सीखते हैं, कर दो चार तारीफ और, देखो दिल की संकीर्णता हट जाएगी। लेकिन मुसीबत ये है ना, ये मन बैठा रहता है मुसीबत वाला, ये कहेगा क्यों प्रशंसा कर दूँ, और चिपक लेगा उसको, और चिपके ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, पहुँचेगा कहाँ। तुमने भी ला के गुरु के दर पर ही मत्था टिकाना है सबको, अगले ने भी मत्था यहीं टिकाना है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम उल्टा मौज लो बीच में से। ये हम अपनी संकीर्णता के स्वभाव के कारण मौज नहीं ले पाते, ये चिड़चिड़ कुड़कुड़ वो अंदर तुम्हारे अपनी नई मधानी शुरू हो जाती है चलनी, क्यों भाई तुम्हारे अंदर नई मधानी क्यों चल रही है, प्यार करो सबको, तुम खुद पार्टिसिपेट करो, हंस हंस के बोलो, बातें करो, कुछ ना मिले अगले को बोलो आज आपने ये बात बड़ी प्यारी बताई, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी आपकी बात, कर दो प्रशंसा। मन कहेगा क्या अच्छी, इससे अच्छी तो मेरे को आती है, कोई बात नहीं ना, तुम्हें अच्छी आती है तो क्या हो गया, उसने भी तो अच्छी अपने लेवल से तो अच्छी करी है, बात तो गुरु की है ना, उसने भी गुरु की बात बताई, तो तुम गुरु की बात की प्रशंसा नहीं कर सकते क्या, कर दो, बनाओ ना दिल में जगह किसी के। ये मत कहो आके मुझे कोई इग्नोर करता है, तुम जाओ उसके दिल में घुस के जगह बनाओ, कीड़ा वो ज़रा सा जो पत्थर में घर करे, इंसान वो क्या जो दिले दिल भर में ना घर करे, तुम कैसे इंसान हो, किसी के दिल में जगह नहीं बनानी आती, उल्टा सबके दिल में जगह बनानी सीखोगे, गुरु के दिल में भी बनाओगे, वरना इस चिड़कुड़ के चक्कर में ना गुरु से भी जाओगे, उल्टा जगह बनानी सीखो, आर्ट सीखो, अरे इसको इसने कैसे गुरु के दिल में जगह बनाई, इसने कैसे बनाई, मैं भी बनाऊं, अहंकार उतार के साइड रख दो। उस दिन बोला मंदिर के बाहर लिखा हुआ था कृपया जूते और अहंकार यहाँ रख के जाएं, जूते तो रखते ही हैं सारे, जूता घर बना हुआ था, पर स्पेशल लिखा था कृपया जूते और अहंकार यहाँ रख कर जाएं, तब मंदिर में जाएं। और हम लोग ये नहीं कहते यहाँ आओ तो बाहर रखाओ, हमेशा के लिए इसको विसर्जित कर दो, हर बार चल पड़ते हो हरिद्वार, इसको विसर्जित कराओ ना गंगा जी में, घर में जो चीज़ें तुम्हारे होती हैं ना ऐसी, कोई पुराना कैलेंडर, कोई देवी देवता की मूर्ति, पर उसको विसर्जित कराते गंगा के पानी में, इस अहंकार को भी गंगा के पानी में डाले आओ, इसको काय साथ लिए फिर से करो, सबको प्यार करो, ना करे कोई तुम कर लो, तुम्हें खुशी आ जाएगी, उसने नहीं किया कोई बात नहीं,
मैं तो करे आया, मैंने तो अपना मजा लिया, मैं तो खुश हो आया। आ जाती है ना खुशी, ज़बरदस्ती प्यार करने में भी खुशी आ जाती है। देख लो कभी कभी तुम्हारे बच्चे, मम्मी चिपटा मत करो, मम्मी चुमा मत करो, हम बड़े हो गए, और तुम्हें फिर भी खुशी आती है प्यार करके। देखो पिक्चर में क्या दिखाते हैं, वो स्त्री से ज़बरदस्ती करके भी फिर खुश हो जाता है कि मैंने अपनी पूरी कर ली। इसका मतलब है हमारी ये प्रकृति है कि अगर हम बढ़ के कुछ करते हैं हमें खुशी आती है। करो प्यार खुशी से, बढ़ के करो, इंतज़ार मत करो, तुम भिलनी बन के बैठे रहते हो अगला मुझे प्यार करे, भाई ज़िंदगी पार हो जाएगी, राम जी थोड़ी आ जाएंगे। जिसको तुम इग्नोर करोगे वो तुम्हें इग्नोर करके आगे चला जाएगा। तुम सोचते हो मैं बिलनी माता बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ किसी दिन तो प्रेम करेगा। किसी दिन क्यों, आज तुम प्यार करो उससे, प्यार ले लो, काम चलाओ, क्यों बैठे रहते। ये अहंकार नहीं है क्या? जो व्यक्ति दूसरे से प्यार पाने की आशा रख के बैठा है, क्या ये अहंकार नहीं? बढ़ के प्यार करो अपना, तुम बढ़ के काम कर जाओ अपना। अब हम कहीं जाते हैं हमसे तो कोई गले मिलेगा नहीं, हम ही बढ़ के गले मिल लेते हैं, गले लगा लेते हैं, खुश हो जाता है अगला व्यक्ति क्या हमको, चलो बढ़ के इन्होंने प्यार किया, तुम भी बढ़ के करो प्रेम भगवान से। अब कृष्ण जी थोड़ी गोपियों को प्यार करते थे, वो कभी तो देख के जानबूझ के सो जाते थे, कभी करवट ले लेते थे, देखें ये क्या करती हैं, वो फिर बैठ जाती थीं, बातें करती थीं, कभी सहलाती थीं, जगाने की कोशिश करती थी, वो अपना प्यार लौटा जाती थी, फिर भगवान मन मन मुस्कुराते थे कि प्यार करके गई। तो आप क्यों बैठे रहते हो, कोई दूसरा आएगा प्यार करेगा, भिखारी हो फकीर हो, तुम बढ़ के प्यार करो। बल्कि तुम्हारे पास कोई आया उसका आदर करो, प्यार करो। गुरु भी किसी को भेजे इतनी रिस्पेक्ट दो, गुरु के घर के कुत्ते का भी आदर होता है तो गुरु के प्रेमी का तो और आदर होना चाहिए। उसको खुश हो के दिखाओ, प्यार करो, अगले को फील कराओ कि हमें तुम्हारे आने से बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं तुम आए हो, अरे तुम बैठो, अरे तुम खाओ, अरे तुम चलो, अरे तुम फलाने से बात करो। प्यार करना सीखो ना, खुद ही इन्वॉल्व हो जाओगे तो कुड़कुड़ करने वाला मन ही ना बचेगा। लेकिन जब हम खुद इन्वॉल्व नहीं होते, ये प्यार की बात ऐसी है, अगर तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं खुद फिर तो आता है आनंद, वरना तो राग द्वेष की ये आग हमें ही जला मारती है, हम ही परेशान होते हैं। इसीलिए कोशिश करो बढ़ के प्यार करने की, आगे हो जाओ, प्यार करने में नंबर वन बनो, अहंकार गंवाने में नंबर वन बनो, बाकी जगह नंबर वन ढूंढते फिरते हो। अब बोलो मिटना है, मैं नंबर वन, मैं मिटूंगा पहले, मौका ही मत दो अगले को। सॉरी बोलना हो ना, अगले को मौका मत दो सॉरी बोलने का, आप इंतज़ार करते हो वो सॉरी बोले। घर में कोई बात हो जाए हस्बैंड से बच्चों से, माफ़ी तो मांगे, सॉरी तो बोले, नहीं नहीं दौड़ के नंबर वन बनो, पहले सॉरी तुम बोलो। ऐसा ना हो कि वो सॉरी बोलने आ जाए, वो तुम्हारा ज्ञान हार गया। तुम नंबर वन बनो मिटने में, वो नहीं बात कर रहा, तुम आगे बढ़ के बात करो, मैं पहले बात करता हूँ, मैं पहले मिल के आता हूँ, मैं पहले खुश करके आता हूँ, मिटने में नंबर वन बनो। कोई आया तुम्हारे पास उसको आते ही गले लगाओ, प्यार करो, अरे आप आइए हम इंतज़ार ही कर रहे थे, इतनी देर हो गई आज आपको, खड़े हो जाओ अपनी सीट से, गले लगाओ उसको, प्यार करो, साथ बिठाओ उसको, देखो प्यार बनता है कि नहीं बनता। अब बैठ के कर्म चुनने शुरू करोगे फिर हो जाएगी दिक्कत। तुम लोगों की आंखों में टेलीस्कोप है, वो दूर के तारे गिनते, पड़ोसी पता नहीं कौन है, तारों का पता है। जितने बड़े बड़े होते हैं ना साइंटिस्ट, वहीं छतों पे टेलीस्कोप लगा रखा, उनसे पूछो तेरे साथ वाले घर में कौन रहता है, पड़ोसी का पता नहीं, पड़ोसी का दुख सुख पता नहीं, वो कई हज़ार किलोमीटर दूर तारे उसको पता हैं सारे, टेलीस्कोप लगा रखा। तुम लोगों का यही हाल है,
पास बैठे व्यक्ति का गुण नहीं पता, प्यार नहीं पता, पता नहीं कौन सा टेलीस्कोप है, उसका मन भी जानते हो, उसकी इंटेंशंस भी जानते हो, कुड़कुड़ भी कर लेते हो, द्वेष भी पाल लेते हो, दुखी भी हो लेते हो, अपनी नींदें भी खराब कर लेते हो। ये तुम्हारे टेलीस्कोप की हालत है। उतार के फेंको इस टेलीस्कोप को, पड़ोसी को प्यार करना सीखो। लव दाय नेबर, कब से क्राइस्ट ने बोला लव दाय नेबर। नेबर माना पड़ोसी, मतलब साथ रहने वाला नहीं, जो तेरे सामने है, जो तेरे पास है, उसको प्यार कर, वेलकम कर, उसका खुशी से मिल, उसको कितना अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें हम लोग भगवान से सीखते थे। कितने टूर किए बॉम्बे वालों के साथ, गुरुजी के साथ, तो भगवान अपनी सीट से खड़े हो जाते थे जब वो लोग आते थे। खड़े होके वेलकम करना, बिठाना, प्यार करना, पहले माइक उनको देना, नहीं आप बात करिए, नहीं आप बोलिए, फिर वो कभी कहते थे नहीं आप बोलो, 5-10 मिनट वो भी उनकी महिमा में बोलते थे, 5-10 मिनट बोला वो भी उनकी महिमा में, आपका शुक्राना, आपने समय निकाला, आप सबके लिए आए, आपके आने से सबको खुशी मिली। अब खुशी क्या ये दे के नहीं बैठे थे, हम सबको भी पता था खुशी तो उन्होंने ही दी है, लेकिन एक वे होता है प्यार करने का, वे होता है रिस्पेक्ट देने का, वे होता है अगले को वेलकम करने का, वो गुण है हमारे अंदर। फिर हमारे अपने पार्ट पे जो कमियां हैं वो तो हम देखते नहीं। हम ऐसा कोई आए और तुम ऐसा मुंह बना के दिखाओ उसको, तो क्या लगेगा अगले को? एक चेहरे पे तुम्हारे मुस्कुराहट ही ना हो तो अगले को लगेगा मैं तो बेकार ही आया। हम भेजता हूँ ना बच्चों को कभी कभी कहीं कहीं कहीं, तो ये लोग बड़े खुश हो के आते हैं, कहीं कहेंगे वो हम गए तो सही, फिर जो फलानी उस एरिया में करती है ना सत्संग, उसका थोड़ा मूड ऐसे ही लगा, आप बात कर लीजिएगा, हम नहीं जाएंगे आगे से, कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन जहाँ कोई प्यार करता है, वेलकम करता है, किसी के कभी कभी ये लोग रात को देर कर देते हैं, फिर हम फ़ोन करते हैं, अरे कहाँ रह गए, अरे आपको क्या बताएं, वो फलाने घर ले गई, फलाने घर ले गए, उनके प्रेमी इतना प्यार कर रहे थे हमको टाइम लगवा दिया, वो बहुत खुश होके आते हैं, वो बोलते हैं हम प्रॉमिस करके आए अगली बार पूरे दिन जाएंगे, हम देख लीजिएगा जब आपको भेजना हो, हम कह के आए हैं उनको, हम पूरे दिन के लिए आएंगे। आने वाले को भी खुशी मिली ना, उठा के तो कोई ले नहीं जाएगा किसी को, लेकिन जो आता है वो खुशी बांटता है। अब हमें पहले आने वाले का वेलकम करना आना चाहिए, खुशी देनी आनी चाहिए, चार लोगों को मिलवाना चाहिए, क्या ये गुरु के प्रेमी हैं, नज़दीकी हैं, गुरु ने भेजा है हम लोगों पर कृपा करके, ऐसे करके हम बात भी तो कर सकते हैं। अब प्रेम से प्रेम बढ़ता है ना, खींचा तानी से तो प्रेम बढ़ेगा नहीं। मान लो एक व्यक्ति प्रेम का हाथ बढ़ा रहा है, हैंडशेक करते हैं, अब एक व्यक्ति तो हाथ मिला रहा है भाई आगे करके हैंडशेक करो, दूसरा व्यक्ति आगे से हाथ जोड़ दे, कितनी बेइज्जती वाली बात हो जाती है कि मैं तो हैंडशेक कर रहा हूँ ये हाथ जोड़ रहा है। अब कोई तो तुमसे हैंडशेक करने आया और तुमने कहा बाबा जान छोड़, समझ में आ गया तुम्हारी मंशा, समझ में आ गया तुम्हारा पाप, समझ में आ गया तुम्हारे मन का चोर, समझ आ गई बात। मेन बात है कि हम अंदर से खुद भी तो प्यार वाले हों और प्यार वाला ही प्यार कर पाएगा। अच्छा गुरु से प्यार है तो गुरु से जुड़ी हर चीज़ से प्यार है, ये भी एक पक्की बात है। गुरु से प्यार है, गुरु की कैसेट भी प्यारी है, गुरु से प्यार है, गुरु की कॉपी भी प्यारी है, गुरु की चिट्ठी भी प्यारी है कि नहीं? फिर गुरु के भगत भी प्यारे हैं, उनके प्रेमी भी प्यारे हैं, प्यार तो यही होता है ना। देखो जो अच्छे लोग होते हैं, संस्कारी लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को भी इतना सिर नहीं उठाने देते कि चाचा ताऊ का आदर ना करें। वो बच्चे भी बाप के बराबर आदर करते हैं चाचा ताऊ का, संस्कारी घर होते हैं ना। ऐसी जो संस्कारी भक्त होता है, ज्ञानी होता है, उसको भी देखना, वो अपने सुनने वालों को भी ऐसा सिर नहीं उठाने देता
कि कोई उसको गुरु के खिलाफ कोई बात कहे, गुरु भाई के खिलाफ, संस्कारी है अगर तो। हाँ अहंकारी है तो हम बात नहीं करते उसकी, पर संस्कारी है अगर तो ये संस्कार भी साथ होते हैं। क्योंकि ज्ञान आपका क्या है? आपका ज्ञान है प्रेम का, आपका ज्ञान है सर्वमम रूप का, आपका ज्ञान है लव ऑल अलाइक का, तो प्रेम करते चले ना। ये मत सोचो कोई उसके लिए उसके नहीं, जो आया है मेरे लिए, मेरे हित के लिए, मेरे भगवान इस रूप में आए हैं। आज मेरे को भगवान कुछ देना चाहते हैं, आज मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, इस रूप में भी भगवान ने मेरे लिए कुछ सोचा है। जब ऐसी ऐसी हमारी भावनाएं हो जाती हैं ना, तो प्यार तो अपने आप बहता है, हर एक के लिए बहता है, हर एक अच्छा लगता है, हर एक से प्यार होता है। भिलनी ने लक्ष्मण से वैर नहीं रखा, लक्ष्मण ने रखा भिलनी से। उसको लगा ये छोटी जात की है, झूठे बेर दे रही है, मैली कुचैली है, उसने बेरों का निरादर किया। लेकिन भिलनी के मन में भावना खराब नहीं है, वो राम जी को भी बेर खिलाती है, लक्ष्मण को भी देना चाहती है, उसके अंदर तो दोनों के लिए प्यार है ना। प्यार इसको कहते हैं जो तौले नहीं, प्यार इसको कहते हैं जो मेरी श्रेष्ठता बढ़ाए, मेरा अहंकार बढ़ाए। आपको लगेगा वो प्रेमी, नहीं वो प्रेमी नहीं, वो दुश्मन। या तो अगले के अंदर सर्व के लिए प्यार की भावना हो, केवल तुम्हारे लिए, तो वो चमचा टाइप है। फिर उसको ये ना कहो वो प्रेमी है, भगवान का बच्चा है, उसको हम ये नहीं कह सकते, फिर वो चमचा सा है, वो फिर ऐसे ही कर्म करेगा, वो फिर राग द्वेष की दीवारें ही खड़ी करेगा, उससे तो दूरी बना लेनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, निष्काम में भी ध्यान रखना, जितने इस तरह के लोग बढ़ेंगे तुम्हें लगेगा मेरा एक सर्कल बन गया, लेकिन सर्कल नहीं बन गया, ये तुम्हारे पतन का इंतज़ाम हो गया। जितने इस तरह के लोग बढ़े, सिर्फ तुम्हें चिपकना चाहते हैं, तुम्हारी जय जयकार करते हैं, तुमसे ही प्रेम रखते हैं, सबके लिए उनको प्रेम नहीं है, गुरु के लिए, गुरु भाइयों के लिए कोई भावना नहीं है, ऐसा तुम्हारे पतन का इंतज़ाम हुआ, कोई सर्कल नहीं बन गया तुम्हारा ज्ञान का। ये एक समय सब खलास होएगा, एक समय सब तुम्हें ही दोष देंगे कि तुमने हमको विशालता में नहीं जुड़ने दिया, तुमने हमको प्रेम नहीं करने दिया, तुमने हमें अपने में अटका दिया, सीमित कर दी। कई केस हम रोज़ देखते रहते हैं, ये आती रहती हैं बातें। एक समय अगलों का मन उनको बल्कि दोषी देता है कि इन्होंने हमसे गलत किया और गलत कराया, हमारा समय खराब किया, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका अल्टीमेट रिजल्ट बड़ा गलत है। इसीलिए बनने बनाने की भावना कभी नहीं रखनी, हमेशा मिटने की भावना रखो। मैं दास हूँ तेरा जी, मुझे दास ही रहना है, तुम अपने गुलामों में मेरा नाम लिखा देना। भगवान मैं तेरा दास हूँ और मुझे दास ही रहना है, मुझे कोई बड़प्पन नहीं चाहिए, वाहवाही नहीं चाहिए, मैं तो दास हूँ और मुझे दास बन के रहना है, मुझे मिट के रहना है, मुझे नम्रता में रहना है, मुझे अपना पहले दिन वाला बच्चा बना के रखो कि माया की हवा ना लगने पाए मुझे, ये भावना लेके चलना है। क्योंकि यहाँ ऐसा है, ये हिसाब किताब, बड़प्पन आने में देर नहीं लगती, लेकिन ये बड़प्पन फिर ज़िंदगी में नहीं जाता इंसान का। वो बिल्ली वाला अभिमान तो चलो गुरु भी उठा के फेंक देगा, पर ये जो ऊँट वाला अहंकार है ना, ये फिर तुम्हारा बहुत नुकसान करता है, इसमें फिर ज़िंदगी लग जाएगी। गुरु को भी सुलझाते समझाते, पर वो अहंकार निकलेगा ही नहीं अंदर से, टस से मस नहीं होने देगा वो। ये कभी मत आने देना, ये आ गया तो काम खराब हो जाएगा। अपने को बचा के चलो, झुक के रहो, प्रेम करके चलो,
नम्रता से रहो, सबकी चरण धूल हो जाओ। शब्द बोलो मत चरण धूल तेरे जन की उमा, पर अपने अंदर फील करो क्या सचमुच मैं चरण धूल होके चल रहा हूँ, क्या सचमुच मेरे अंदर नम्रता है, क्या सचमुच मैंने आपा मिटाया, क्या सचमुच मैंने अपने अहंकार को तिलांजलि दी, ये देख के चलो। प्रेम पाने का सबसे अच्छा तरीका है बढ़ के प्रेम करो। अच्छा, आज तुम्हारा प्रेम होगा ना किसी से, तुम्हें उसकी बात भी अच्छी लगेगी, उससे बात करना भी अच्छा लगेगा। अभी कोई हमारा बहुत नज़दीकी होता है, मान लो वो कोई बात बता दे, मैं से भाई अच्छा हुआ तूने बता दिया, आप कितने अच्छे हो, पहली हर बात मेरे को कर देते हो, और प्यार ना हो तो आपका मन कहेगा क्यों ये मुझे क्यों बताए, ये मुझे क्यों मैसेज दे, ये दूसरा व्यक्ति क्यों, अब वो दूसरा हो गया ना। और अगर प्यार हो तो थैंक्स करोगे। दोनों में डिफरेंस देखो, अपने मन में प्यार हो वही बात लगेगा शुक्राना करूं, अपने मन में प्यार ना हो उसी बात को लेके मन में शिकायत आएगी। तो क्यों ना बढ़ के प्यार करें। इतना बड़ा आंचल कर लो हर कोई तुम्हारे प्यार के आंचल में समा जाए, चाहे वो तुम्हारा भगवान ही क्यों ना हो, वो भी आ जाए मेरे प्यार में, वो भी मुझे याद करे, वो भी मेरे लिए सोचे, वो भी मुझे बुलाए, वो भी मुझे बिठाए, मेरा भगवान भी मेरे प्यार के आंचल में आ जाना चाहिए ना। जब वो कहता है प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, जब ऐसी बात है तो मेरे प्रेम के बंधन मजबूत क्यों नहीं है, इसका मतलब मेरा प्रेम मजबूत नहीं। अगर मेरा प्रेम मजबूत होगा तो मेरा भगवान भी मेरे प्रेम में आ जाएगा, अगर मेरा प्रेम मजबूत होगा तो मेरा भगवान भी मेरा साथी बन जाएगा, मुझे और क्या चाहिए, मेरे को तो अपने भगवान के साथ साथ चलने का है ना। तो मैं क्यों ना उनको याद करूं, क्यों ना उनकी बात करूं, क्यों ना उनका विचार करूं, मैं उस तरफ चलूं ना, उसमें फिर सारे उनका रूप ही हैं, तो मैं सबको प्यार कर सकता हूं, कौन बड़ी बात है। सबके लिए प्रेम की भावना मन में आ जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके सिवाय मन राग द्वेष नहीं छोड़ता है। अगर ये प्रेम की भावना ना आए ना अंदर, तो मन राग द्वेष की भावनाएं छोड़ता ही नहीं, लगा रहता है कुछ ना कुछ अंदर। लेकिन कोई शिकायत नहीं रहेगी जब प्रेम का बहाओगे दरिया। मिलजुल के प्रेम से रहना गुरु का ये कहना, गुरु एक ही बात बोलता है, मिलजुल के सबके साथ प्यार करके जियो, प्यार में जियो, सबको प्यार करके चलो, तुम्हारे मन में दूसरी कोई भावना नहीं होनी चाहिए, केवल एक प्रेम का भाव। तो अपने मन में प्रेम रखो ना, शिकायत ना करो किसी से, शिकवा शिकायत करना भगवान के बच्चे का धर्म नहीं है, भगवान के भक्त का क्या धर्म है, केवल प्रेम करना। किसी से कोई शिकायत मत करो, तुम प्यार करो, प्यार में वो भी पलटेगा। तुम जो अगले से उम्मीद रख रहे हो ना, तुम्हें प्यार में वो सब अपने आप मिलने लगेगा। और अगर प्यार की भावना नहीं रखोगे फिर हो जाएगी मुश्किल। प्यार की भावना रखो, सबके लिए रखो। सर्व के लिए प्रेम मुक्ति है। लव फॉर वन इज बॉन्डेज, लव फॉर ऑल इज सल्वेशन। एक दो के लिए प्यार बंधन,
और सबके लिए ही प्यार, यही तो मुक्ति है। ज्ञानी की मुक्ति कैसे है कि किसी से राग द्वेष की गांठ नहीं बंधी हुई है, मुक्ति है उसकी। हृदय में सबके लिए शुभ संकल्प और आशीर्वाद हैं, यही उसकी मुक्ति है। क्योंकि जब मन किसी प्यारे में अटका होता है या किसी प्यारे से अटका होता है तब होती है प्रॉब्लम, पर जब मेरा मन किसी प्यारे में भी नहीं अटका हुआ और मेरा मन किसी प्यारे से भी नहीं अटका हुआ फिर कोई उलझन वाली बात ही नहीं। ये स्थिति महसूस हो अपने अंदर, जो स्वामी रामतीर्थ ने बोला है, मैं सारा दिन देखता हूँ मेरा मन किसी प्यारे में तो नहीं अटका है या मेरा मन किसी प्यारे से तो नहीं अटका है, ये स्थिति महसूस करनी है। स्मूथ बेल, कंटीली झाड़ी अड़ेगी अड़ाएगी पर स्मूथ बेल ना अटकती है ना अटकाती है। ये फील होए अंदर, अपनी स्थिति महसूस हो कि मेरा मन किसी में भी अटका हुआ नहीं है, किसी से भी, मैं हो गया राग से हो गया द्वेष, ना का उसे दोस्ती ना का उसे वैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, सबकी खैर मांग रहा कबीरा खड़ा बाजार में, उसके मन में सबके लिए अच्छी भावनाएं, किसी से वैर विरोध नहीं है उसके अंदर, कोई गलत भावना नहीं है, किसी तरह का लालच किसी तरह का स्वार्थ कुछ नहीं है, उसका मन शुद्ध है। जिसके मन में निर्मल भक्ति वास करती है उसकी पहचान ही यही है, उसके मन से विकार विदा हो जाते हैं। नहीं तो इंसान किसी ना किसी चीज़ से मोटिवेटेड रहता है, राग द्वेष रखेगा, तेर मेर करेगा, नहीं तो स्वार्थ में आके प्यार करेगा, लालच में आके काम करेगा। जब किसी चीज़ से मोटिवेटेड हैं, निर्मल भक्ति नहीं है, निर्मल मन ही नहीं है, निर्मल भक्ति कहाँ से आएगी। पर जब मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है तो मेरा मन निर्मल है, मेरा मन शुद्ध है, मेरे अंदर कोई मैल नहीं है। आज तक हम जिए स्वार्थ की दुनिया में, पहले अपना स्वार्थ सोचते थे फिर कोई कर्म करते थे, पर अब इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन से ये विकार विदा हो जाने चाहिए। ज्ञानी स्वार्थ के लिए प्यार नहीं करता है, दिखावे के लिए प्यार नहीं करता है, पर उसका कर्म है निष्काम। कोई सेल्फ मोटिवेशन नहीं सोचता, मैं ये करूँगा मुझे इसका ये बेनिफिट मिलेगा, मैं ये करूँगा ये व्यक्ति मेरे यूँ काम आएगा, मैं प्यार करूँगा फिर ये मुझे करेगा, मैं करता चलूँ। गीता भगवान ने बोला हमारा यहाँ जो हम प्यार बताते हैं तुम्हें कैसा है, ये हमारा प्यार है, दिस लव इज़ लाइक वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक होती है तो जा सकती है या नहीं सकती, आप पढ़ लेते हो, वन वे है ये, चलती है ना वन वे ट्रैफिक। जीवन में प्यार भी वन वे ट्रैफिक चलनी चाहिए, इसमें रिटर्न की भावना नहीं, पलट के मुझे क्या मिल रहा है ये सोच नहीं होनी चाहिए, वन वे ट्रैफिक। तुम करते आओ ये मत सोचो कि मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि जब तुम सोचने लगे तुम स्वार्थी हो गए, जब तुम सोचने लगे तुम लालची हो गए, जब तुम सोचने लगे अब तुम प्यार में थकने लगोगे, नहीं कर पाओगे, बोलोगे मैं नहीं कर सकता अब क्योंकि मुझे वापसी नहीं मिल रही। पर जो वापसी ना मांगे चलता रहे,
आगे बढ़ता रहे, हिम्मत करे, तो प्यार में वापसी नहीं है। और प्यार में ये आशा नहीं है कि पहले वो करे, तुम करते आओ, अच्छी चीज़ है ना। भगवान बोलते थे, अच्छा बताओ प्यार नहीं करोगे तो क्या करोगे, राग द्वेष करोगे, एक चीज़ तो होगी ना, या तो प्यार करोगे या नफ़रत करोगे। तो नफ़रत से अपना मन ख़राब करोगे ना, इससे अच्छा प्यार करते चलो। ये भी तो सोचो कि अगर मैं प्यार नहीं करूँगा तो भला क्या करूँगा, है कोई और काम, आखिर तो प्रेम ही है जीवन का सार, तो प्रेम करते चलो। ये बीच में मन की बात मत सुनो, ये सारी मन की माया है, इसको अलग कर दो। जितनी बातें करता है ना मन करता है, इसको अलग कर दो अपने से, अपने निश्चय में रहो। मन जीत बनो, मन जीते जग जीत, मन जिस जीत लिया मान जगत विच पाया, और जो अपना मन नहीं जीत पाया जगत में भी मान कहीं नहीं मिलेगा। जो मन जीता है वही तो जग जीत है, उसी को सब प्यार करेंगे। तो मन की माया से ऊंचे उठ जाओ, ठीक है। हाँ